हेलो अरे सौरभ फ्रेम बग रहा है मैं चालू है चल नंबर 10 घेतलं म्हणजे 10 होते ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नागपुर में 6 लोगों का मृत्यु हुआ है और स्वाभाविक रूप से ये घटना के कारण निश्चित रूप में पूरी नागपुर की जनता को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। और इसीलिए मैंने प्रार्थना की थी कि आज कोई मेरा स्वागत या कोई स्वागत यात्रा नहीं निकालूंगा और मुझे बहुत दुख और दर्द है। मैं मृतात्मा जो है उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता हूं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे ऐसी प्रार्थना करता हूं। सर आपको एक मंत्रालय मिला, क्या कहोगे? अभी तो अच्छा काम करेंगे, अभी 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, और ज्यादा करने की कोशिश। तीसरी बार मंत्री बने हैं, नागपुर शहर की जनता भी बहुत उत्साहित है आपको लेकर, क्या कहेंगे? जनता का प्रेम और विश्वास ये किसी भी राजनीतिक नेताओं के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है और मैं भाग्यवान हूँ कि नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर दिया है। मैंने कभी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधारित कोई राजनीति नहीं की, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इसी बात पर काम किया और मैं ये मानता हूँ कि नागपुर की जनता मेरी है और मैं नागपुर का हूँ और नागपुर की जनता का प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। पर इस जो प्रेम और विश्वास जताया है उसके लिए जनता की जो भी अपेक्षा है वो अभी तक जितना काम हो उससे ज़्यादा अच्छा काम करके पूरी करने की मैं कोशिश करूँगा। सर मंत्रालय आपने मांगा है मंत्रालय अंतर्गत कोई विशेष वो बाद में बताएंगे सर।